नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं और इस ग्रहण को लेकर के अधिकांश लोगों के मन में ये भ्रांतियां पैदा हो रही हैं कि यह ग्रहण कितने बजे लगेंगे, क्या भारत में दिखाई देंगे और ये किस प्रकार के ग्रहण है। ये सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को, दिन गुरुवार है, 20 अप्रैल को लगने वाला है और यह एक कंकण कृति में ये जो सूर्य ग्रहण ये होगा। और ज्योतिष विज्ञान में जो दोस्तों सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर देखा जाए तो खगोल शास्त्र के अनुसार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु ये दोनों अपने निजी शत्रुता को मिटाने के लिए सूर्योदय और चंद्र को अपना ग्रास बनाता है तो इसे हम सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये जो कथा है ये समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आगामी सूर्य ग्रहण को लेकर के लोगों के मन में ये कई सवाल उठ रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, इसका समय क्या होगा, इसके सूतक काल का नियम मान्य होगा या नहीं, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। तो आइए आपको इन सभी सवालों के मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी जैसे कि दुर्लभ कोई सिद्ध सामग्री खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे साइट प्राचीनज्ञानस्टोर.com से बहुत सारे दुर्लभ सामग्री सस्ते दामों में खरीद सकते हैं जो कि कम समय में आपको अत्यधिक लाभ देंगे और आपके निजी जीवन में जो चल रही परेशानी उसे रत्न एवं कई प्रकार के हमने सिद्ध सामग्री तैयार करके रखे वो दूर करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, खगोल विज्ञान के अनुसार अप्रैल माह में इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 7:05 में शुरू होगा और इसका समापन दोपहर 12:29 में होगा। सूर्य ग्रहण की जो कुल अवधि रहेंगे, कुल समय रहेंगे वह दोस्तों 5:24। बता दें दोस्तों, इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस वजह से यहाँ सूतक काल और उसके नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको कुछ ज्योतिष के जानकारी बताना चाहूंगा, उनके राय देना चाहूंगा। देखिए, ज्योतिष विद्वानों के माने तो संपूर्ण देश के सूर्य केवल एक ही हैं, इसलिए अगर भारत को छोड़कर अन्य स्थान पर ग्रहण लगते हैं तो इसका प्रभाव भी मानव जाति पर जरूर पड़ेंगे, भारत के लोगों पर जरूर पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों सूर्यदेव तो एक है, अनेक नहीं, इसलिए इसका प्रभाव भारत के लोगों पर और लोगों के राशि पर जरूर पड़ेंगे। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण आप जो है कंबोडिया, चीन, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, फिजी, जापान, समोया, सोलोमन, बरूनी, सिंगापुर, थाईलैंड, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो देशों से बहुत आसानी से देख सकते हैं। लेकिन भारत के कुछ आंशिक स्थानों पे जहां पे लोगों का रहना नहीं वहां पे भी ये दिखाई देने की संभावना है। दोस्तों, क्या है सूतक काल, कितने बजे लगेंगे, सूतक काल लगने के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी बताऊंगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 पूर्व प्रारंभ होता है। सूतक काल को एक प्रकार के अशुभ समय माने जाते हैं, इसमें कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सूतक के दौरान बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन दोनों को छोड़ करके जो है भोजन बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। ग्रहण समापन के कुछ समय बाद ही सूतक काल का अंत होता है, जिस समय सूर्योदय जो सूर्य ग्रहण होते हैं वह फिर बाद में साफ सूर्य दिखाई देने लगते, ग्रहण छूट जाते हैं। इस तरह दोस्तों सूतक काल के समय में कुछ समय निर्धारित की गई है जिस समय कुछ शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल का जो समय प्रारंभ होगा दोस्तों वह है 1 इसके पूर्व रात्रि कालीन 7:05 में शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 7:05 में आपको 19 अप्रैल को ये शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि दोस्तों ग्रहण के समय में क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सी प्रश्न है, सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ग्रहण के समय कुछ ऐसे आप कार्य करते हैं जिससे आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ता है और बाद में चल करके आप बोलते हैं कि हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं। तो ग्रहण के समय कुछ ऐसे कार्य जिसे नहीं करना चाहिए और ग्रहण के बाद कुछ ऐसे कार्य जिसे करना चाहिए जिससे हमारे जो प्रगति तेजी से होता है, रॉकेट की रफ्तार से हमारे प्रगति होता है, घोड़े की रफ्तार से हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या ना करें। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण से पहले जैसे कि सूतक काल का आरंभ होता है उसी समय से सूतक काल के जब आरंभ हो जाए तो सूर्य ग्रहण के समाप्त होने तक भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय अपने घर के मंदिरों को बिल्कुल ही नहीं खोलना चाहिए। यदि आप ग्रहण के समय घर का मंदिर खोलते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। और जिस समय सूर्य ग्रहण हो उस व्यक्ति
जिस समय सूर्य ग्रहण हो उस व्यक्ति किसी भी सुनसान जगह पर, जो भी व्यक्ति हो सुनसान जगह पर, जैसे बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, जैसे शमशान है वहां पे भी मत जाइए, सुनसान जगह वहां पे भी मत जाइए, इस समय नकारात्मक शक्ति हावी रहती है। ग्रहण के दौरान इनकी शक्तियां ज्यादा हावी रहती हैं और ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, बहुत से लोगों की जान भी ले जाते हैं। तो इसलिए ग्रहण के समय बेहतर रहता है कि आप अपने घर में रहें। और दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी नए काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए। दरअसल दोस्तों कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है, इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत या फिर मांगलिक कार्य बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल कंघी ये भी करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दोस्तों इस समय अगर आप सोते हैं तो आप सारी जिंदगी सोते रह जाएंगे, और सुई में जो धागे भी, इस ग्रहण के समय अधिकांश बोला जाता है कि सुई में भी धागे नहीं डालना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय यात्रा भी करने से मना किया जाता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय शारीरिक संबंध बनाता है उस व्यक्ति को नरक की यातना झेलनी पड़ती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। तो आपको भी सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। दोस्तों इस प्रकार के हम कार्य को करते हैं इसलिए हमें कभी भी प्रगति नहीं मिल पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। दो ऐसे और भी कार्य बता रहा हूं जिसे ग्रहण के समय आपको नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण के समय व्यक्ति को भोजन करने की मना है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय भोजन करता है उसे अधोगति प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ग्रहण के समय सोता है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है घट जाती है, इसलिए व्यक्ति रोगी हो जाते हैं, बीमारी उन्हें पनपने लगते हैं, अनेक प्रकार के शरीर में बीमारी आती है। और ग्रहण काल में जो व्यक्ति तेल का मालिश करते हैं, शरीर में तेल लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, उसे कुष्ठ रोग होते हैं। साथ ही ग्रहण के समय जो व्यक्ति पेशाब करते हैं उसके घर में दरिद्रता आती है, जो सोच जाता है उसे कृमि रोग होता है। तो ऐसे व्यक्ति को कीट, जो कीट कई प्रकार के नाना प्रकार की योनि कहेगी, इसमें जाना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रहण में कुछ ऐसे कार्य जिसे करने से हमें बचना चाहिए, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखे हुए हैं। और ग्रहण के दौरान सीधे सूर्यदेव को देखने से बचना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा ग्रहण जब लगे तो सूर्यदेव को देखने की ही क्या जरूरत है, बिल्कुल आप मत देखें। और देखना ही चाहते हैं तो दोस्तों सीधे आंखों से देखने के बजाय आप चश्मा लगा लीजिए या फिर कोई जैसे एक्सरे वगैरह का फिल्म होता है वो लगा करके देख सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ग्रहण के बाद क्या करें जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हम धनवान बने, गुणवान बने, हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रगति हो, ये बिल्कुल ही दोस्तों सभी लोगों को जानना जरूरी है। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों बाबा महाकाल ही एक ऐसा साक्षात कलयुग में जीवित मात्र देवता है जो कि ग्रहण के कुप्रभाव को दूर करेंगे और हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। शुभ पवित्र नदी जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, जो गोदावरी है, कावेरी कहे गए, यहाँ तक कि नर्मदा नदी है, इस प्रकार की जो पवित्र नदी कहे गए हैं उस नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। या फिर पवित्र नदी में स्नान करने में आपको जो दोस्तों समय नहीं मिल पा रहे हैं तो एक काम जरूर करना, आप अपने घर में गंगा जल की 4 से 5 बूंद ले लेना, गंगा जल की कुछ बूंद नहाने के पानी में डाल लीजिए और आप स्नान करें तो बिल्कुल ही पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको अपने घर में नए फ्रेश ताजा आपको भोजन बनाना है और नए फ्रेश ताजा भोजन ही खाना है। और हो सके तो दोस्तों ग्रहण के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से ग्रहण के बाद आप जो दान पुण्य करते हैं वह अक्षत हो जाते हैं, न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। और जो व्यक्ति दान करते हैं, दान एटीएम मशीन की तरह कहे गए हैं, जो व्यक्ति दान देते हैं ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में निर्धन नहीं होता। जो आपको बन पड़े जरूर नहीं है कि आप लाखों रुपए का दान करें, अन्न दान करें, जो आपसे बन पड़े चाहे 1 रुपए ही आप किसी को दान कर दीजिए, लेकिन दान जरूर देना चाहिए। और पितरों के निमित्त हेतु सूर्य ग्रहण के बाद आप जो दोस्तों जो पीपल वृक्ष के नीचे में दीप जरूर जला करके आना, दीप दान जरूर करना, तिल का दान जरूर करना, क्योंकि ग्रहण लगते हैं ना तो पितरों को भी काफी कष्ट होता है, सूर्यदेव से ही संबंधित है पितर देवता। और मंदिरों की फिर बाद में ग्रहण के बाद आपको साफ सफाई जरूर करना चाहिए, मूर्ति को स्नान कराना चाहिए, साफ वस्त्र से पोंछना चाहिए, नहलाना चाहिए। दोस्तों ग्रहण के समय कुछ ऐसे कार्य जिसे हमें जरूर करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति होता है, ग्रहण के हम कुप्रभाव से बचे रहते हैं। जैसे कि ग्रहण के समय जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर भगवान शंकर जी के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं,
ऐसे व्यक्ति के ऊपर में हनुमान जी महाराज की हमेशा कृपा बनी रहती है, भगवान शंकर जी की कृपा बनी रहती है। अगर जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो राहु है और केतु है, जो ग्रहण लगे हैं, ये आपके कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा इनके कुप्रभाव से बचे रहेंगे। बजरंग बाण का पाठ करते हैं ग्रहण के समय में, तो आपके शत्रु अनावश्यक आपको परेशान करते हैं, ग्रहण की तरह उनके जीवन में ग्रहण लग जाएंगे, उनका सर्वनाश हो जाते हैं। जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ऐसे व्यक्ति को काल भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों ग्रहण के समय में इस प्रकार के जो मंत्र कहे गए हैं, जो चालीसा कहे गए हैं, बजरंग बाण का पाठ कहे गए हैं, जरूर करना चाहिए। और अगर आप मान के चले किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, लंबे समय से वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पा रहे, जैसे कि आपको गुरु मंत्र मिला है, इष्ट मंत्र मिला है, उस मंत्र का जाप जरूर करें। ग्रहण के समय में जपे हुए मंत्र अति शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और अपना तत्काल प्रभाव दिखाना भी शुरू करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले एक जानकारी और बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ग्रहण के पूर्व हमने जैसे कि खाना बना करके रखें तो क्या करें। मान के चलिए आपने खाना बना करके रख लें और आपको ऐसा लगने वाला है कि ग्रहण अब शुरू होने वाले हैं, सुत्ता काल के समय आपने खाना बना लिया, तो उसमें दोस्तों 4 से 5 जो है तुलसी के पत्ते पूर्व पहले से तोड़ करके रख लीजिए और डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते गिरा हुआ उसे भी आप जो है डाल सकते हैं। तो इसे तुलसी माता की पत्ती आप अगर अपने भोजन में रखते हैं तो वह भोजन फिर खराब नहीं माना जाता, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए और उस भोजन को बाद में खा सकते हैं। फिर खाना नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार के भोजन को जो है दोस्तों नदी में आप विसर्जित कर सकते हैं, फिर किसी जो पशु है आप उसे खिला सकते हैं, इसे पाप नहीं माना जाएगा। तो आशा करता हूं कि ग्रहण के बारे में जितने भी मैं जानकारी बताया हूं, ये जानकारी से आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी है, इसकी और जानकारी और अन्य लोगों को होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलना। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।